जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, हम आज बात कर रहे हैं ऋषिकेश में भूतनाथ मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, ये अभी जानकी सेतु है, ये अभी 6 महीने ही बनके तैयार हुआ है। तो बहुत ही छोटी छोटी इसमें लाइन बनी हुई है जिसमें वो बाइक आपको लेके जानी पड़ती है। तो दोस्तों, इससे सीधा आगे वो राइट में एक रास्ता पड़ता है, वहाँ से सीधा भूतनाथ मंदिर को रास्ता जाता है। ये रास्ता सीधा भूतनाथ जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए हैं भूतनाथ टेम्पल पर। आप देख सकते हैं ये मंदिर का गेट है और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग की सुविधा दी गई है। आप कार अगर लाते हैं तो बाहर ही खड़ी करेंगे मंदिर परिसर से। तो वो सामने से देखो, लोग भी आ रहे हैं उधर से घूम के। तो दोस्तों, अगर आप आते हैं तो आइए कभी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही बढ़िया फील होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं, देख सकते हैं ये मेन गेट है मंदिर का और ये हमारी गाड़ी बाइक खड़ी है वहाँ पर, और पार्किंग भी हो कर सकते हैं यहाँ पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलते हैं, उधर से सीधा रास्ता जाता है आपका भूतनाथ मंदिर की ओर। और ये निक्की है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। और ये इधर आपका विशा आंसू है और ये है टीना। तो हम लोग आए हैं आज भूतनाथ मंदिर पे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए चलते हैं, सारी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं मंदिर की ओर और परिसर में आपकी एंट्री कराकर हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे जाते हैं और कैसा माहौल है मंदिर के परिसर में। और ऊपर हम जो 14th फ्लोर है वहाँ पर भी जाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये मंदिर का मेन द्वार है। यहाँ पे अगर आप आते हैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये मंदिर खुलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ताला लगा हुआ मिलेगा साइड में ही। जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो साइड में राइट साइड आप जूते निकाल के ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद हम जैसे ही 3 फ्लोर हमने पार कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ से लगभग पूरा ऋषिकेश दिख रहा है आपको। तो हमने 10 फ्लोर हमने ऊपर 10 फ्लोर ऊपर हम चढ़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर अभी कितना बच रहा है, लगभग 4 फ्लोर बच रहे हैं ऊपर, लगभग 4 फ्लोर बच रहे हैं देखना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मंदिर है यार, और मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है कि मन की शांति प्राप्त हो रही है यहाँ पे आके। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा अच्छा व्यू दिख रहा है। ये लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जिससे हम आए वो जानकी सेतु है, लेफ्ट साइड में जिसमें मैं दिखा रहा हूँ अभी क्रॉस करके, वो जानकी सेतु है जो कि 6 महीने पहले बनाया है अभी, और जिससे हम अभी आए हैं। और ये राइट साइड में है, ये राम झूला आप देख सकते हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा अभी हल्का दिख रहा है, पर दिख रहा है यहाँ से राम झूला। बाकी जो भूतनाथ का जो मंदिर है, ये मंदिर में मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। ये पूरी जंगल घाटी में है, मतलब बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं और चिड़िया चहचहा रही हैं, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। और आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ और हवाओं का शोर। और अभी थोड़ा वो ऊपर है मंदिर, ये श्री नंदी जी का यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर बनाया है। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके जो भूतनाथ मंदिर हैं, भूतनाथ जी का मूर्ति रखी है वहाँ पे, वो हम आपको दिखाएंगे। और वहाँ पे जो लोग हैं आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं वहाँ पे, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये रास्ता सीधा आ रहा है वहाँ से जानकी सेतु से, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप आइएगा ज़रूर यहाँ पे घूमने अगर आप कभी आते हैं तो। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धर्मस्थल बंद थे। तो अभी तो खैर अभी खुल चुके हैं वो, तो आप आराम से आसानी से घूम सकते हैं पूरे परिसर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग अभी ऊपर बैठे हैं, हम उनको देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप अगर घूमने आते हैं यहाँ पर कभी। वाह भाई, मंदिर में भी पबजी की रेसिंग चल रही है, देख सकते हैं आप पबजी के कितने दीवाने हैं लोग, जितने दीवाने भगवान के नहीं है उससे ज़्यादा पबजी के दीवाने हो रहे हैं। ये गलत लोग, गलत बात है। बताओ फिर भी लिख रखा है, वाह ग्रेट भाई, बहुत अच्छा लगा हमें तो यहाँ आके।
कभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ भी उलझने और टेंशन वेंशन है तो यहाँ पे आ जाओ एक दो दिन के लिए, संपर्क करें और दिन का आ जाओ यहाँ घूमने के लिए, तो यहाँ पे मतलब इतनी शांति मिलेगी आपको कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। लो भाई है ना, अच्छा हम टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, सबसे ऊपर जो जहां पे भूतनाथ बाबा जी के दर्शन होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे पहले से ही कुछ लोग हैं और वो प्रसाद भी बांट रहे हैं दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों यहां पे अगर आप आते हैं तो आप ऐसे ही बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा और आइएगा यहाँ पर। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, सेल्फी वेल्फी बहुत ले रहे हैं लोग, मज़ा आ रहा है लोगों को, तो बहुत ही अच्छा फील होगा यहाँ पर आने के बाद। और ये अभी कुछ शायद यहाँ पर पूजा कर रहे हैं पहले से ही, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, आइए कभी घूमने। तो दोस्तों हम तो घूमने आ ही गए हैं पर हम यहाँ से एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपको यहाँ का, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमको आके। तो देखिए टीना पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर रही है बाबा जी से, तो अभी आप देख सकते हैं हमने अभी प्रसाद ग्रहण किया है थोड़ा सा और स्पर्श किया है भूतनाथ बाबा जी के चरणों को और आशीर्वाद लेके अभी हम नीचे चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ प्रसाद भी दे रहे हैं, ये दोस्तों टॉप फ्लोर पे हैं, अभी निक्की भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगी चरण स्पर्श करके। हाँ ये हुई ना, वेरी गुड। तो ये है पूरा टॉप फ्लोर और अब हम चलते हैं मंदिर से और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आके कैसा दिखता है नीचे का व्यू, तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत ही अच्छी जगह है। आप आइए कभी घूमने तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और जितनी भी मन में दुविधाएं होंगी वो सब मिट जाएंगी, बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी आपकी यहाँ के आके। आइए कभी घूमने दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।